आज कुछ अलग खाने का मन है, इसलिए आज हम बनाएंगे टोमेटो स्पेगेटी पास्ता। ये रेसिपी ऑथेंटिक नहीं है तो ज्यादा फैंसी भी नहीं है, बट हम इंडियंस है ना, तो इंडियन टच तो बनता है। तो सबसे पहले एक पैन में हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल के गार्लिक को तब तक पकाएंगे जब तक उसमें से खुशबू ना आने लगे और वो गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। फिर हम उसमें डाल लेंगे कैंडीड चेरी टमाटोज और इसमें नमक डालकर इसे कुछ देर पका लेंगे। चेरी टमाटो तो आप सब लोग जानते हैं, छोटे वाले टमाटर, पर इसमें एक वेराइटी आती है जो कि ऑरेंज और येलो कलर की होती है। ये वाले जो टमाटर है ना, ये थोड़े मीठे होते हैं। अब आप इसमें डाल लीजिए टोमेटो प्यूरी, चिली फ्लेक्स, इटालियन सीजनिंग और इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट रोजमेरी। इसे क्रश करके डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसे ढककर तब तक पकाइए जब तक सारे टमाटर सॉफ्ट न हो जाए। अब एक स्पून या स्पैचुला से इन सभी टमाटोज को मैश कर दीजिए ताकि इन टमाटो को कैरामलाइज फ्लेवर इस सॉस में आ जाए। अब इसमें बॉइल्ड पास्ता डाल लीजिए जिसे हमने नमक डालकर सॉफ्ट होने तक पकाया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसे फ्रेश इटालियन बेजल से गार्निश कर लीजिए। अब गैस ऑफ कर लीजिए और इसमें ऊपर से डाल लीजिए न्यूट्रिशनल ईस्ट। अब हम इसमें पार्मेसान चीज नहीं डालेंगे, जब तक ये पास्ता गर्म है ना, इसमें एक स्लाइस चीज की डाल दीजिए। फिर एक मिनट तक ढके रहने दीजिए और उसके बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब बस इसे गर्मा गर्म गार्लिक ब्रेड के साथ में इंजॉय कीजिए। पास्ता सच में बहुत टेस्टी है और इसमें जो चीजें हमने इस्तेमाल करी है ना, वो सभी चीजें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और फिर भी अगर आपको कोई आइटम नहीं मिलता है तो उसे स्किप कर दीजिए। तो रेसिपी ट्राई जरूर कीजिएगा।